A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahifala. As you guys are absolutely aware all about my videos that exactly I have given you time to time, and exactly you have learned so many aspects regarding different kind of issues which are happening in our country. And today once again I am going to bring into your notice some of the very important and relevant news. These updates are going to be very handy for rest of you people, because as you guys are familiar about PST and JEST, and no doubt PST and JEST, the matter is in progress, no doubt. पर आज का मैटर समथिंग डिफरेंट है. एक एक्सपीरियंस हुआ कुछ कैंडिडेट्स के साथ, कुछ जो है वो उम्मीदवारों के साथ जो है रिसेंटली जो है वो किसी जॉब के सिलसिले में कहीं गए. उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि कराची वालों के साथ क्या होता है. कराची वाले जब नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाया जाता है और किस तरह की चीज़ें उनको बताई जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा हैरानकुन हैं. तो लिहाजा यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, और यकीनन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिएगा. लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर जगहों पे ऐसा होता है जब कराची वाले नौकरी लेने जाते हैं, यानी कराची का कोई उम्मीदवार या उम्मीदवार कहीं पर भी जॉब के सिलसिले में जाएं, तो क्या होता है, ये ऑक्यूलर अकाउंट है, ये आँखों देखा हाल है. कोई साहब हैं जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को अवेयर करें कि कराची वालों के साथ होता क्या है. कराची वालों के साथ जो होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. लिहाजा अभी रिसेंटली पोर्ट कासिम में कुछ जॉब निकली होंगी, तो वहाँ पर कराची वाले जो है वो इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ पर कुछ ऐसे वाकयात पेश आए कराची वालों के साथ कि आप हैरान रह जाएंगे. जब वो वहाँ गए तो किसी साहब ने, कोई साहब वहाँ पर मौजूद थे, भाई आप किस सिलसिले में आए, तो जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने बोला भाई हम तो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, और गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे पोर्ट कासिम में, तो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं और हम जो है वो इंटरव्यू देना चाहते हैं. तो उन्होंने पूछा भाई आपका डोमिसाइल कहाँ का है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा डोमिसाइल तो कराची का है. अब जब उन्होंने ये सुना कि आपका डोमिसाइल कराची का है, तो उन्होंने जवाब दिया अरे भाई आपने इश्तिहार नहीं पढ़ा, अखबार में तो भाई इश्तिहार आया है, आप तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं. आप यानी कहने का मकसद ये है कि आप देखें, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, और यहाँ पर भी आप लिस्ट में भी देख सकते हैं कि कहीं पर जो है वो आप देखें कराची अर्बन लिखा हुआ है, कहीं पर भी कराची अर्बन नहीं है. जबकि आप देख सकते हैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूलर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके सामने, और बलूचिस्तान भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी कराची अर्बन है ही नहीं. तो आप क्यों आए हैं अपना वक्त ज़ाया करने, आप अपना वक्त क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, आप जो है वो शायद आपको गलत फहमी हो गई है, आपका डोमिसाइल तो है वो कराची का है. तो इसका मतलब है रेवेन्यू कराची दे, कराची की आवाम को नौकरियाँ ना मिलें, तो ये कैसा नाइंसाफ सिस्टम है, कैसी नाइंसाफियां हैं, कैसी बेईमानियां हैं, कैसी ज़्यादतियां हैं, क्या हो रहा है हमारे कराची के साथ. कराची के नौजवानों के हक पर डाका मारा जा रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जाती क्योंकि उनका डोमिसाइल कराची का है, उनका ये गुनाह है, उनका ये जुर्म है. तो ये आँखों देखा हाल जिन साहब ने मुझे बताया वो मैंने आपको कन्वे किया. तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मैंने जो आपको बात बताई वो बिल्कुल रेलिवेंट है, और ये कोई मजाक नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे कराची में हो रही हैं, और कराची के नौजवानों के साथ ऐसा किया जा रहा है. जब कराची के नौजवानों के साथ ऐसा किया जा रहा है, उनको उनका राइट उनके शहर में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कौन लेके जा रहा है ये राइट, कहाँ कहाँ से आके लोग लेके जा रहे हैं ये राइट. तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, सिंध रूलर में तो आप समझ जाएंगे सिंध रूलर क्या है, यानी इंटीरियर. कराची अर्बन हो गया और सिंध रूलर हो गया, तो आप समझ जाएं
कि यानी सिंध रूलर को भी हिस्सा मिल रहा है, बलूचिस्तान को भी मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वान को भी मिल रहा है, पंजाब को भी, यहाँ से हर चीज़ मिल रही है, हर जॉब मिल रही है। लेकिन कराची वालों का डोमिसाइल क्योंकि कराची का है, तो इसलिए उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। तो ये ज्यादतियाँ हमारे मुल्क में PST और JEST का मैटर तो बहुत मामलात जो हैं आप जानते ही हैं किस तरह के चल रहे हैं, और वहाँ पर भी किस तरह की कंस्पिरेसीज़ हैं जो हैच की जा रही हैं, और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लोगों को जो है वो, लोगों को कहने का मकसद ये, देखे ना आप कितना कमाया गवर्नमेंट ने, चालान की मद में, इसकी मद में, उसकी मद में सब कुछ किया। तो यहाँ पर राइट दिया जा रहा है, कोई राइट नहीं दिया जा रहा, बेईमानी की जा रही है। कराची वाले नौजवान जो हैं, जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, जिनका ताल्लुक इस शहर से है, और यही शहर पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है, पूरे मुल्क को जो है वो रेवेन्यू देता है, बल्कि पूरा मुल्क इस कराची की वजह से चलता है, और कराची के नौजवानों को ही जो है वो डिप्राइव किया जा रहा है, उनको महरूम किया जा रहा है, जॉब से महरूम किया जा रहा है, गवर्नमेंट की जॉब से भी महरूम किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ना छुपती नहीं है, सच जो है ना वो सामने आ जाता है। अब लोगों को कड़वा लगे तो लगे भाई, लोगों को कड़वा तो लगेगा लाजमी आते, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है, बिकॉज आप तो जानते हैं ट्रूथ इज बिटर। सो दैट्स वाई आई थॉट आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो, दैट्स वाई आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस इशू, बिकॉज सम वन ब्रॉट इन टू माई नॉलेज, दैट्स वाई आई थॉट आई थिंक इट्स गोना बी वेरी नाइस एंड हैंडी फॉर यू पीपल हु आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट सच थिंग्स। So that's why I wanted to make you aware. That's why I have made this video. I hope you are going to share this video with everybody, whosoever is there for you. So you have to tell them, आपको उनको बताना है that what is happening in our city. तो अब कहने का मकसद ये हो गया कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो ये नाइंसाफियाँ तो आप देखें ना कि कभी किस शक्ल में हमारे सामने आती हैं, कभी किस शक्ल में हमारे सामने आती हैं, कभी डोमिसाइल के सिलसिले में आ जाती हैं। अब कराची का डोमिसाइल होना भी बड़ा गुनाह है कराची वाले नौजवानों के लिए, यानी कराची के नौजवानों के लिए उनके शहर का डोमिसाइल भी है, तब भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी। तो ये ज्यादतियाँ कब तक चलेंगी भाई? कराची के जो नौजवान हैं वो इस शहर से बिलोंग करते हैं, उनका राइट गज़ब किया जा रहा है, उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, चाहे वो PST और JEST का मैटर हो या किसी भी दूसरी जॉब के लिए जो है वो मैटर हो। तो PST और JEST का मामला भी इसी तरह चल रहा है, आप देखें ना पर्ची सिस्टम ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो सारे मामला आपके सामने ही हैं। मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं जो न्यूज़ आपको देता हूँ वो हक और सच पर मबनी होती है, क्योंकि झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। बेसिकली मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने भाइयों को बहनों को इस बारे में अवेयर ज़रूर करता रहूँ कि इस शहर कराची के साथ, जिस शहर कराची में हम रहते हैं, जहाँ का नौजवान जो है वो हमारे कराची की शान है, और उस नौजवान को चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, गर्ल्स हो या यानी बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सब हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। और इस शहर में अगर कराची वालों को ही डिप्राइव करता करते रहेंगे गवर्नमेंट वाले, तो कहाँ पहुँचेगा ये शहर? आप सोचें क्या होगा इस शहर का, जहाँ पर जो है वो कराची के लोगों को उनका राइट ना मिले, नौजवानों को राइट ना मिले, वो नौकरी के लिए धक्के खाएं, वो नौकरियों के लिए परेशान रहें, उनको उनका राइट ना मिले। तो ये नाइंसाफियाँ जो है ना, वो एक वक्त आता है कि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। हमारे मुल्क में देखें वैसे ही हालात ठीक नहीं हैं, और हमारे मुल्क के नौजवान परेशान हैं। तो आप ये देखें ना, जब बहुत ज़्यादा इंतजार बढ़ता है, तो वहाँ जहाँ नाइंसाफियाँ होती हैं, तो आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कौमें जो हैं वो क्यों बर्बाद हुई हैं, इस वजह से कि नाइंसाफियाँ की, बेईमानियाँ की, लोगों के हक पर डाके डाले। और आप ये देखें ना, इस तरह ये चलता रहेगा तो देखें आप क्या होगा आगे जाके। अल्लाह ताला की तो लाठी बे आवाज़ है, और यकीनन देखिएगा आप, अल्लाह ताला देख रहे हैं सारे मामलात, किस तरह के मामलात चल रहे हैं इस मुल्क में, किस तरह की ज्यादतियाँ चल रही हैं इस मुल्क में। तो मेरा मकसद यही था, और मैं हमेशा
जो कड़वी बात करता हूँ ना तो मैं मजबूर हो जाता हूँ कड़वी बात कहने पे। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कड़वी बात कहूँ, लोगों को बुरी लगती है, लोगों को तकलीफ हो जाती है, कुछ लोग तो जो है वो आग बगुला भी हो जाते हैं, तो भाई होते रहें, उनको अगर तकलीफ होती है तो हों। तो लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि मैं वीडियो रोज़ाना तो नहीं बना रहा, लेकिन जब मेरे पास प्रॉपर न्यूज़ आती हैं तो मैं जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। मैं कुछ गैप लेके वीडियोस बनाता हूँ और कोशिश रहती है कि आपको रेलिवेंट इश्यूज़ के बारे में बताया जाए। तो इसके साथ ही राह फलक के आज के इस एपिसोड से आसिफ हसन इजाज़त चाहेगा। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ और एक और इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।